6 July, बारिश स्लाइटली इंटेंसिटी वाइज और एरिया वाइज इंक्रीज करने का चांसेस है। वेरी हैवी रेनफॉल का भी एक दो जगह में पॉसिबिलिटी है। उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ही मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही बारिश हल्का से मध्यम होगा। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है नोआपारा, कालाहंडी, बोलांगीर, सोनपुर, बरागढ़, संबलपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट में। और हैवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कंधमाल, बौद्ध, झारसीगुड़ा, देवगढ़, अंगुल, सुंदरगढ़, केउंझर, मयूरभंज, ढेंकनल, जाजपुर, कटक, ये 6 तारीख का है। फिर 7th, 8th, 9th इसमें भी बारिश रहेगा बट इंटेंसिटी स्लाइट कम होगा। और एरिया वाइज मेनी प्लेसेस में ही कई स्थानों पर बारिश हल्का से मध्यम होगा और एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल होगा। कुल मिलाकर के अगला 4-5 दिन में मानसून अभी स्वाभाविक कंडीशन में ही रहने का चांसेस है। और भुवनेश्वर सिटी में भी बारिश आज एक दो स्पेल्स होगा, कल कुछ सुबह ही हमारा अभी अगला 2-3 दिन में डेली एक दो स्पेल्स करके बारिश हल्का से मध्यम भुवनेश्वर सिटी में भी पॉसिबिलिटी है। जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा। बारिश तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपका होगा। कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बारिश रहेगा। इंटीरियर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में इंटीरियर का मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ मीन्स एक्सट्रीम साउथ में बारिश मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में रहेगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मीन्स नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का डिस्ट्रिक्स, वेस्टर्न उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में रहेगा। और हैवी रेनफॉल का हमने जैसा बोला कोस्टल उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक तो जगह करके और मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट में, नवरंगपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके हो सकता है।